नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। प्रो कबड्डी सीजन 8 में 52 दिन के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। अब बारी है सुपर शनिवार के ट्रिपल हेडर मुकाबलों की। प्रो कबड्डी सीजन 8 के 53वें दिन फैंस को तीन मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत होगी तमिल थलाईवास और दबंग दिल्ली के मुकाबले से। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्लेऑफ की दौड़ अब बहुत ही तेज हो चुकी है, ऐसे में सभी टीमों के लिए एक एक मुकाबला करो या मरो का होने वाला है। खासकर इस मुकाबले में तमिल थलाईवास के लिए कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। तमिल थलाईवास को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो आज मुकाबला जीतना ही होगा, वरना तमिल के लिए परेशानी बढ़ जाएंगी। तमिल थलाईवास की टीम ने सीजन में अभी तक 18 मुकाबले खेल लिए हैं और टीम को सिर्फ 8 मुकाबलों में ही जीत मिली है। वहीं 7 मुकाबलों में तमिल थलाईवास की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। वहीं 6 मुकाबले टीम ने इस सीजन में टाई भी खेले हैं। वहीं दूसरी ओर दबंग दिल्ली की टीम है, जिसने इस सीजन में अभी तक 18 मुकाबले खेल लिए हैं और टीम को 9 मुकाबलों में जीत भी मिली है। वहीं दबंग दिल्ली की टीम ने इस सीजन में 5 मुकाबले ही गंवाए हैं और 4 मुकाबले दबंग दिल्ली की टीम के भी इस सीजन में टाई हुए हैं, और इसी खेल के दम पर ये टीम लगातार टॉप 4 में बनी हुई है। ऐसे में दबंग दिल्ली ये मुकाबला जीत के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच इस सीजन में ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक शानदार मुकाबला देखने को मिला था और कोई भी टीम उस मुकाबले को जीतने में नाकामयाब रही थी, क्योंकि मुकाबला 30-30 पॉइंट के साथ बराबरी पर ख़त्म हुआ था। ऐसे में फैंस एक और शानदार टक्कर देखना चाहेंगे। वहीं प्रो कबड्डी इतिहास के अंदर तमिल थलाईवास की टीम पहली बार दबंग दिल्ली को हराने के लिए मैदान पर उतरेगी, क्योंकि अभी तक प्रो कबड्डी इतिहास में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में दबंग दिल्ली की टीम को जीत मिली है। वहीं एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच टाई खेला गया है, लेकिन तमिल थलाईवास की टीम ने आज तक दबंग दिल्ली को प्रो कबड्डी के अंदर नहीं हराया है। ऐसे में तमिल थलाईवास इतिहास की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।